3, chill out, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Oh my. Oh my. Oh, oh. Let's go. तो हे गाइस वेलकम अगेन टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है। तुम्हें कहा था भाई लास्ट ये वाला व्लॉग मिस मत करना। व्लॉग में हम एक बस चीज लेके आए। तुमने आज तक भाई 20-30 की स्पीड में हमको बाइक उड़ाते हुए देखा होगा, पर आज तुम देखोगे ना भाई पागल हो जाओगे, क्योंकि आज हमारे पास एक न्यू बाइक जो है ये वाली। भाई आज हमने बाइक किया न्यू YR1 वर्जन 2। तो भाई ये बाइक आज कहां कहां से जाएगी तुमको नहीं पता। इस बाइक के साथ हम वो करेंगे कि जो तुमने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। और ये बाइक भाई हमने न्यू परचेज किया है, मतलब एज अ सेकंड हैंड, तो हमको कोई डर भी नहीं है कि ये टूट फूट जाए तो क्या, नुकसान भी नहीं होगा। पर ये बाइक हम एक्सट्रीम लेवल में ऑफ रोड, एक्सट्रीम लेवल में जंप, सब कुछ करेंगे इस बाइक से। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन चीज भाई अपना सिग्नेचर, ठीक है। तो भाई ये बाइक जाती है पहले मेरे नाम पे। तो भाई हमने ये बाइक खरीदी है अराउंड 7-8 thousand। तो ये हमारा बजट है इस वीडियो का। तो जितना होता है इस वीडियो को सपोर्ट करना, शेयर करना भाई इसका, ताकि हमारा नुकसान पूरा हो जाए, ठीक है। तो ये बाइक आज भाई तबाही करने वाली है, तो मिस मत करना ब्लॉग को। तो भाई मैं ये राइड करने वाला हूँ ये वाली बाइक वर्जन 2 भाई। लेकिन ये बाइक पता है बहुत मुश्किल से स्टार्ट किया हम लोगों ने। देखो हम इसको बंद नहीं कर रहे ताकि ये मतलब बंद ना हो जाए। उससे पहले एक लास्ट बार मैं अपने बाइक में व्हीली मार देता हूँ, उसके बाद मैं ये बाइक ड्राइव करूंगा, ठीक है। तो भाई एक लास्ट व्हीली मार देते हैं, ठीक है, इस बाइक पे, फिर आप उस बाइक पे शिफ्ट हो जाएंगे, ओके। ओह भाई बैलेंस नहीं बन रहा है, बट ठीक जा रही है। टायर बहुत ही बबल कर रहा है, तो रिस्की है। और इसमें ब्रेक भी नहीं है, पिछली एक ब्रेक है इसमें, तो हमको इसमें कुछ खास चलना तो नहीं है, पर थोड़े बहुत स्टंट्स हैं, हवा में उड़ाएंगे इस बाइक को, ठीक है। और वीडियो को मिस मत करना, जितने लोग देखो हो मेरे चैनल पे सपोर्ट करो। तुम्हारे भाई का न्यू चैनल है तो भाई दम लगा के सपोर्ट करना, ठीक है। भाई अभी ना बाइक निकाली है, तो भाई ये देखो मेरा जूते ने भाई मेरे भाई एक एक करके ना तीनों जूते फंस गए। ये देखो मेरा जूता भाई नया था, पानी में बार बार डालने के चक्कर में ये देखो क्या हो गया भाई, पूरा नया शूज खराब हो गया। तो गाइस आ चुके हम अपनी लोकेशन में। लोकेशन तुम देख लो कुछ इस तरह की है। ये है रेत जहाँ पर हम आगे अपनी बाइक उड़ाते थे, और यहाँ हम बैठ के बाइक लेके जाते थे, तो बहुत ज्यादा रिस्की होता था। पर आज हम फुल स्पीड में आने वाले हैं बाइक में, कुछ ऐसा मतलब एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे बाइक की स्पीड कंटिन्यू रहे 80-90 तक की, और इस एरिया से बाइक जाएगी। और क्या लगता है कितना दूर भाई, कितना दूर जाके बाइक पड़ेगी तुम देखना, बाइक बहुत मजा आने वाला है। चलो अब स्टार्ट करते हैं बाइक का तामझाम, ठीक है। तो वैसे भी बाइक आज हवा से बात करने वाली, तो इसका नाम हमने भाई स्पाइडरमैन रखा है बाइक का, क्योंकि लाल कलर की और हवा में उड़ेगी। और साथ ही साथ भाई इसको एक और नेम टैग देते हैं, क्योंकि हवा में उड़ने वाली, हवा में भाई सबसे फास्ट एक ही बाइक है यहाँ पर, और वो कौन सी है, S2। तो गाइस ये हमारी S2 है, ठीक है, अब इसमें S2 का लोगो भी आ गया है। तो ये S2 स्पाइडरमैन है, अब इसको हवा में उड़क देखेंगे कितनी अच्छी उड़ेगी, ठीक है। तो भाई सबसे डिफिकल्ट होने वाला है इस बाइक को कुछ इस तरह से भाई, मतलब रखना कि ये बाइक स्ट्रेट जाएगी, हम इस पर नहीं बैठेंगे क्योंकि बहुत स्पीड होगी, रिस्की बहुत है। तो इस बाइक को हमको वहाँ रेस से कूदवाना, तो इस बाइक को हम किस तरह से भाई, एक तो हम इसकी रेस बांध देंगे इस कपड़े से, ताकि जब हम इसको रेस देना, ये देखो ऐसे ये क्रूज कंट्रोल हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, देख रहे हो, जब हम इसको ऐसे देंगे ना, क्रूज कंट्रोल फेल हो गया गाइस, नया क्रूज कंट्रोल बना रहे हैं, देख रहे हो। तो ये बाइक हमको रेस हमको पूरी मतलब पकड़ के रखिए। तो गाइस ये ठीक है, तो गाइस क्रूज कंट्रोल तो बना दिया, हाँ ये देख रहे हो अपना रेस पकड़े रह रही है, ठीक है। तो अब हमको एक कुछ देखने की, इसका हैंडल ऐसे स्ट्रेट रहे, ठीक है। अब उसके लिए हमको कुछ जुगाड़ उठाना पड़ेगा। तो पहला अटेम्प्ट, आई होप इसका मतलब सही जाए सब कुछ, तो देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। बाइक का हैंडल सीधा रहना चाहिए, बाकी हमने सब कुछ सेट कर लिया, ठीक है। पहला गियर डाल दिया गाइस, दूसरा गियर डालते, दो गियर डालते हैं, ठीक है। अबे यार गाइस क्या लगता है ओ ओ ओ, 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 ओ थोड़ा टेढ़ा हो गया, चल तो चल ओ लगाई देख सकते, ये भी गया, ये हाथ में आ गया। तो भाई ये ना टूट गया, तो इसको ना इसको साइड मत, इसको बाद में जुगाड़ बैठा के बांध देंगे, इसको बांध रख दो भैया। पहले अटेम्प्ट में क्या हाल बना है, दूसरे अटेम्प्ट देखते हैं, चिंता करते हैं। तुमने कभी बाइक में एयर बैग नहीं देखे, पर हम बाइक में गुब्बारे लगाएंगे। हमने यहाँ पर 150 गुब्बारा रखा हुआ है, पर हम सारे नहीं, पर मतलब कुछ 10-20 लगाएंगे इसके आगे पीछे हर जगह, फिर से दोबारा बाइक को उड़ाएंगे, ठीक है। देखते हैं किस तरह से उड़ेगी। गाइस अभी ना भाई हमने बैलून फुलाए, ये देख रहे हो बाइक में हम पूरे बैलून चिपका रहे हैं। तो अभी बैलून के साथ बाइक फेंकेंगे, देखेंगे क्या होगा। भाई बाइक में एयर बैग तो नहीं आते, पर हमने सस्ते एयर बैग बना लिए, ठीक है, बैलून से ही। तो अब ना इसको पूरा चिपका रहे हैं, जब ये बाइक गिरेगी बैलून फटेंगे ना, तो बहुत मजा आएगा। वैसे जो हमने सोचा था ना कि जो पहली बार में बाइक हमने फेंकनी थी ऊपर से स्पीड में, वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि यार बाइक ना ट्रैक नहीं पकड़ पा रही, ऊपर से ये है कि हैंडल ऐसे ऐसे बबल कर रहा है, तो जिसकी वजह से ना ये वो वैसा बन नहीं पा रहा। पर हम फिर भी ट्राई करेंगे अपना बेस्ट की उस तरह से भाई, अब तुम्हें एंटरटेन करें, बैलून देख रहे हो। तो गाइस बैलून में देखते हैं कौन जीतेगा, सलमान में से हर बार रेस में मैं जीतता हूँ, इस बार बैलून की बारी, ठीक है सलमान, ओके
चीटिंग है, चीटिंग है, चीटिंग है। गाइस ये तो मेरे से कोई नहीं जीत सकता गाइस। गाइस बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि भाई तुम लोग मेरा नाम लो वीडियो में, नाम लो वीडियो में। तो गाइस मैंने एक नई टेक्नोलॉजी निकाली है। तो गाइस राहुल ने पिछली बार बोला था कि भाई मेरा नाम लो, तो मैं नाम तो लूंगा नहीं पर नाम लिखूंगा, ठीक है। तो भाई ये वीडियो जो मेरे लोग देखते हैं, मुझे कमेंट्स करोगे मेरा नाम लिखो, तो गाइस हर वीडियो में मैं उसका नाम लिख के एक एक्सट्रीम सा मतलब एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो ये वीडियो में भाई राहुल ने कहा था नाम लिखने को, तो ले भाई राहुल तेरा नाम लिख देता हूँ, RAHUL। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में आपका भी नाम हो सकता है अगर आप कमेंट में अपना नाम लिखते हो, भाई अच्छा सा कमेंट करते हो, ठीक है। तो जब इस बाइक को उड़ाते फिर हवा से, तो भाई देखना लास्ट बार ट्राई करते हैं इस लोकेशन से, फिर ना हम एक और लोकेशन में जाएंगे, ठीक है। फिलहाल तो पहला गियर है, पकड़ के रखना भैया। अबे यार ओ भाई कार्ड ही रह गई थी, ये बैलून हमारे सारे ऐसे ही टूट गए। तो भाई इसको आप लेके आएंगे ऊपर से नीचे, ठीक है। क्या लगता है कैसे जाएगी, लेट्स सी गाइस क्या होगा, ठीक है। अब ये जा रही है स्पाइडरमैन बनने असली में, चले। तो गाइस लेट्स सी। ओ भाई ओ भाई भाई बाइक पलटा खा गई है, भाई का हुलिया हमने एक दिन में बदल दिया गाइस। तो गाइस ये देख रहे हो गाइस इतनी ज्यादा बारिश लग चुकी है यहाँ पर, और हम देखो कहाँ पर फंस गए हुए हैं, ठीक है। यहाँ इतना ज्यादा पानी है। तो गाइस आज का वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, तो आज का वीडियो हम कल बनाएंगे साथ में, कल मैं इसको खाई से फेंकने वाला, तो वीडियो से बने रहना, ठीक है। बहुत मेहनत लगी है गाइस, आज देखो बारिश में जा रहे हैं, इतना मेहनत भाई इतना कोई नहीं करता। हम तुम्हारे लिए कंटेंट लेके आ रहे हैं, अच्छा अच्छा तो सपोर्ट करो चैनल को, ठीक है। तो गाइस यार आप लोगों को लगता है ना वीडियो इजिली बन जाती है 10-12 मिनट की वीडियो, भाई कभी कभी इसमें दो दो तीन तीन दिन भी लगते हैं। और मैं तुम्हें हालत अभी की दिखाता हूँ, हाफ देखो कितना ज्यादा है। और तुम्हें एक और चीज बताऊँ, देखो कभी कभी देखो मेरे क्या हो जाता है, ये देखो मेरे शूज की हालत गाइस, शूज की हालत है ये मेरे, नीचे शूज हाई नहीं, देखो एक पाँव पे देखो पाँव की हालत क्या बन गई है। पर इतना मेहनत करने के बाद अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे यार बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो भाई सपोर्ट कर देना, वीडियो शेयर कर देना, और अब इसके अगला भाई, और अब कल के दिन गाइस हम बाइक के साथ कुछ क्रेजी करने वाले, मिस मत करना, ठीक है। तो गाइस आ चुके हैं हम फाइनली उसी लोकेशन पे जहाँ पर भाई होने वाला है क्रेजी सा एक्सपेरिमेंट, जो आपने कभी किसी के चैनल में नहीं देखा होगा। आज हम फेंकने वाले हैं एक बाइक को 700 फुट गहरी खाई में। आई नो मुझे ने ये वाला कंटेंट पहले भी बनाया, पर आज कुछ स्पेशल होने वाला, क्योंकि भाई बाइक के साथ जाने वाले हैं भाई 150 बैलून साथ में, ठीक है। और बाइक को भाई हम बम वगैरह लगा के सब उड़ा देंगे जो, ठीक है। अभी मेरी पूरी टीम काम कर रही है, देख सकते हो भाई बूजा राइडर, अमन वर्मा एंड भाई बाइकर सलमान, और एक भाई RRF व्लॉग्स। तो भाई सब लोग लगे हुए अपने काम पे, ठीक है, सबको सपोर्ट करना। फिलहाल अब हम काम करते हैं, सबसे पहले बैलून फुला लेते हैं, उसके बाद कैमरा एंगल सेट करेंगे, उसके बाद फेंकेंगे बाइक को, जो बहुत ही क्रेजी होने वाला, ठीक है। बाइक हमारे पास ये देख सकते हो पूरी न्यू बाइक है। तो भाई अभी नाम क्या करने वाले, ये देखो पत्थर है और ये देखो बम है हमारे हाथ में, और हम इसके हेडलाइट के अंदर बम फोड़ेंगे, देखेंगे इसकी हेडलाइट कितनी पक्की होती है, ठीक है। तो लेट्स सी गाइस, टूट ही नहीं रही यार, पत्थर टूट गया गाइस। तो गाइस ये देख लियो, ये कुछ इस तरह के भाई छोटे छोटे बम से जो हमने भाई इसके हेडलाइट के अंदर डाले, तो उसकी हेडलाइट हम पत्थर से तोड़े थे पर नहीं टूटी। तो क्या ये हेडलाइट इस एक्सप्लोजन के जरिए टूटेगी, हमारे पास है भाई आग, लेट्स सी, देखते हैं क्या। बताओ पहले वोट करो, टूटेगी 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 भैया, हाँ कोई तो बोलो, हाँ तो गाइस कुछ बोल रहे हैं, हाँ कुछ बोल रहे ना, और देखते हैं हम, ठीक है। हो जाएगा भाई गाइस, अंधेरा हो गया लाइट पे, पर लाइट नहीं फटी है। हटो हटो हटो, गई 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 गाइस, जा रहा है जा रहा है, आग जा रही है, आग जा रही है, ओ भैया आग जा रही है, आग जा रही है। भाई बम ने ना देखो फेयरिंग को पूरी तोड़ दी है, पर ये लाइट नहीं टूटी है। तो अब ना हम इसको पत्थर से तोड़ के आगे से एक लास्ट बम है गाइस हमारे पास, लास्ट बम, तो आगे से ट्राई करते हैं, ठीक है। हाँ तो गाइस लेट्स सी अब क्या होता है, ठीक है। हटो हटो, क्या गया गया गया, ओ भाई लाइट टूटी गाइस, जरा सा भी लाइट को कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा निशान पड़ा है पर कुछ नहीं हुआ लाइट को, देख रहे हो कितना ज्यादा क्वालिटी है इसका। दो घंटा लग गया, दो घंटा लग गया हमको, पता है क्या करते हुए, ये देखो भाई बैलून, भाई बाइक देखो तुम्हें दिख नहीं होगी, बाइक पूरी बैलून के अंदर है। और भाई लेट्स सी अब क्या होगा, ठीक है। बैलून के साथ हम बाइक फेंकेंगे पूरी नीचे खाई में, और कितना मजा आने वाला है ये देखा तुम, ठीक है। अब आ चुकी है वो बोली घड़ी जिस टाइम पे ये भाई बाइक बैलून के साथ जाने बोली है इतनी बड़ी खाई में, ठीक है। R15 है ये, तुम चेक कर सकते हो, ये जा रही है खाई पे, और नीचे हमारे तीनों बंदे कैमरा एंगल लेके सेट हो चुके हैं। लेट्स सी अब क्या धमाका होने वाला है, आर यू रेडी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो भाई इसको सपोर्ट कर दिया करो, और साथ ही साथ गाइस 1 लाख सब्सक्राइबर पे हम करने वाले हैं एक बाइक गिफ्ट किसी ऐसे को जिसे उसकी जरूरत है, और वो आप में से भी कोई हो सकता है, तो इसलिए सपोर्ट करो, ठीक है। पर तो पहले तुम इसे उड़ते हुए देखो, तो गाइस तुम चेक कर सकते हो भाई ये बाइक स्टार्ट बाइक है, ठीक है, एकदम स्टार्ट बाइक है, और ये जा रही है अब नीचे, आ चुका है भाई इसका आखिरी टाइम। तो लेट्स सी क्या होता है भैया, दो बजे धक्का, 1 2 3 चलो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो,
लेट्स गो। ओ भाई भाई ओ भाई ओ ओ ओ देखो जो धमाका हुआ ना गाइस तुम्हें पता भी नहीं आप नीचे चल के देखते हैं क्या हुआ है। गाइस बाइक ने ना इतने पलटे खाए तो मैं क्या बताऊं। और भाई बैलून फटे नहीं एंडिंग तक, आप देखते हैं नीचे जाके कितने बैलून बचे होंगे ठीक है, पर बहुत मजा आया, आप जाके देखेंगे क्या सीन बना है। तो गाइस बाइक की हालत कुछ इस तरह से है, तुम ये चेक कर रहे हो गाइस नीचे बाइक के पुर्जे अलग हो चुके हैं ठीक है, और ये देख रहे हो गाइस बाइक की हालत, बाइक कहाँ भाई गुब्बारे नहीं बचे, देखो भाई सीट कहाँ जाके पड़ी है, और ये देख रहे हो कुछ बाइक की इस तरह से हालत बनी है। अब देखते हैं उठा के गाइस क्या क्या मतलब बचा हुआ है इस पे। तो गाइस ये देख रहे हो गाइस कुछ इस तरह की बाइक है वैसे तो, हाँ पर भाई जो भी हुआ ना कमाल का हुआ है, और बाइक के पुर्जे अलग हो गए भाई, शीशे अभी तक नहीं टूटे, बम से उड़ाए तब भी नहीं टूटे, अभी भी नहीं टूटे। और भाई ये गई बैटरी यार, भाई ये देखो इसके पुर्जे पड़े हुए हैं गाइस, ये देखो रिम ना लोहे का था फिर भी रिम नहीं बचा इसका, देख रहे हो हालत देखो क्या बनी है भाई। यामा की क्वालिटी माननी पड़ेगी क्योंकि इतनी ऊंची से आई ना, आगे से कुछ नहीं हुआ है, पीछे से रिम वगैरह टूट गया, टायर पूरा टेढ़ा हो गया, चेन वेन सब टूट गया, पर स्टील थोड़े बहुत पार्ट्स हैं जो इसमें कामयाब बचे हुए हैं अभी। गाइस अभी ना बाइक की कुछ हालत इस तरह से बनी है, तो ठीक है अभी इसका तुम देख रहे हो, ये आगे से देखो सब कुछ टेढ़ा वेढ़ा हो गया हुआ है, और ये बाइक अब चलने की हालत में तो नहीं है, रिम वगैरह टूट गया हुआ है, तो फिलहाल उसके पार्ट खोलेंगे अभी, उसके पार्ट को साथ लेके जाएंगे आप अपने ठीक है। तो गाइस फिलहाल आपको वीडियो पसंद आया हो, इतनी ज़्यादा मेहनत की तो सपोर्ट कर देना ओके। अभी फाइनली हम यहीं करते व्लॉग को दी एंड, बहुत मेहनत लगा बाइक के पार्ट हम साथ लेके जा रहे हैं, पर एक बात तुम्हें बता दूं यार, जो लोग बोलते हैं कि तुम बाइक की डिसरिस्पेक्ट करते हो, भाई कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है क्योंकि हमने ये सब बाइक कबाड़ से उठाई होती है ठीक है, एट दी एंड जाके इनको भी भाई क्रशर के नीचे मतलब खत्म होना था, पर हम इसको भाई छोटा मोटा अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर लेते हैं, हम भी अपनी बाइक की रिस्पेक्ट करते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाई अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कर देना, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में ठीक है। तो मिलता हूँ तुमसे एक और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड भाई बिना सब्सक्राइब किए मत जाना ओके।